हेलो दोस्तों, मुंबई डायरी सीजन 2 आ गई है। सीजन 1 हमने बहुत सबने देखी थी, अच्छी लगी थी, बहुत प्रेस किया था। और अभी सीजन 2 आ गई है, इसके 8 एपिसोड, हर एक एपिसोड 50 मिनट्स का है। तो जैसे सीजन 1 में जहाँ खत्म होती है, वहाँ से ही सीजन 2 शुरू होती है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखी है दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मत देखना, क्योंकि हाँ भले ही इसमें रिकैप आता है, पर हर एक कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यस, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप पहले सीजन 1 देखिए, बाद में सीजन 2 देखना। सीजन 1 में जहाँ से ऐसे दिखा था कि वहाँ टेररिस्ट अटैक होता है मुंबई में, और वहाँ मुंबई जनरल हॉस्पिटल है, बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पर की कुछ इंसिडेंसेस वो सब दिखाए थे, तो बहुत अच्छा था दोस्तों। यहाँ पर सीजन 2 मुझे सीजन 1 जितना शानदार नहीं लगा, पाए पर्सनल ओपिनियन। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शुरू में 2-3 एपिसोड तो बहुत ड्रैगिंग किया है, पॉलिटिकल कॉर्ट ड्रामा चल रहा है, वो न्यूज़ एंकर वाले यहाँ पर इसको स्टोरी बना के, ओबेरॉय जो डॉक्टर मेन कौशिक ओबेरॉय होते, उसको फ्रेम करना चाहते हैं कि नहीं आपकी गलती थी। और वहाँ पर जो ATS के पुलिस ऑफिसर थे वो एक्सपायर हो गए, उसकी वाइफ है यहाँ सोनाली कुलकर्णी, वो भी उसके मर्डर का इल्ज़ाम लगाती है डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय यानी कि मोहित रैना पे। तो वही सब स्टोरी चलती है। और ओवरऑल दोस्तों वर्थ वॉच है, पर मुझे इतना 1 जैसा जितना मज़ा नहीं आया। इसमें बहुत सारे सब प्लॉट्स चल रहे कि जब बाढ़ आई तब क्या क्या इंसिडेंसेस होते थे रास्ते में, सब बहुत सारी चीज़ें होती है उसकी, मतलब डॉक्टर ओबेरॉय की वाइफ वहाँ पर प्रेग्नेंट है और वहाँ फंस जाती है, और फिर कैसे उसकी डिलीवरी होती है, वहाँ पर आउटब्रेक हो जाता है लेप्टोस्पायरोसिस का, तो उसकी सब चीज़ें दिखाई है। और फिर कोंकणा सेन शर्मा का जो एक्स हस्बैंड है, तो वो भी आ जाता है, डॉक्टर सौरव, उसकी भी स्टोरी चलती है। ओवरऑल दोस्तों वर्थ वॉच है, पर मुझे इतनी शानदार लगी जितनी सीजन 1 लगी थी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं अच्छी है, पर बहुत सारे बिंग सर्जन दोस्तों, मैं इसको सर्जन की तरह देखूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अनकन्विंसिंग लगी, जो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वो बताऊँगा तो पूरा 5-7 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिधि डोगरा करके जो गायनेकोलॉजिस्ट दिखाते हैं, तो दोस्तों वो ऐसे ही ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर ओबेरॉय की वाइफ का, वो प्रेग्नेंट है, दोस्तों वर्टिकल इंसिजन लगा दे, ठीक है वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है वो तो चलेगा, फिनांसियल इंसिजन होता है वो तो चलेगा, पर दोस्तों विदाउट एनेस्थेशिया हाउ कैन यू डू दैट, विदाउट एनेस्थेशिया, विदाउट कॉटरी, वहाँ पर ऐसे ही यार यू कैन नॉट ऑपरेट इट। ओके, आपने ऐसा बताया तो कॉमन पब्लिक को सब अच्छा लगने वाला है कि नहीं, मज़ा आया हो रहा है, पर दोस्तों अगर कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, तो उसको तो ये कन्विंसिंग नहीं लगने वाला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने आपको सब शॉर्ट में दिया, तो जी हाँ ओवरऑल ठीक ठाक है, इट इज़ गुड इन पार्ट्स। सीजन 1 जितनी मुझे शानदार नहीं लगी। मैं सीजन 1 को दोस्तों 4.5 स्टार दूंगा ना, तो इसको 3.5 स्टार दे रहा हूँ। वर्थ वॉच है, पर यू नो अगर आप नॉन मेडिको तो आपको अच्छी लगेगी, आप मेडिको है, सर्जन है या वगैरह, तो आपको इतनी शानदार शायद नहीं लग सकती है। थोड़ी ड्रैग की गई लगी शुरू के 2-3 एपिसोड, तो बहुत स्लो जा रहा है, बाद में 3रे एपिसोड से कुछ शुरू हो रहा है, बाद में मज़ा आता है पर इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल टाइम है आपके पास तो वर्थ वॉच मैं बोलूंगा, बाकी इतना ज़्यादा टाइम आपको आप पे डिपेंड करता है। आप 1 देखिए तो डेफिनेटली आप 2 देखने ही वाला है। एक्टिंग सभी की बहुत ही बेहतरीन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी वगैरह बहुत ही शानदार है। पर दोस्तों कुछ चीज़ें, दूसरी चीज़ में डॉक्टर सुजाता आती है ना, तो कैसे कैसे क्लेम करते हैं, कितना अनकन्विंसिंग उसका रोल है। फिर यहाँ जो नर्स दिखाते हैं वो 22 साल का उसको एक्सपीरियंस है, तो उसमें वो भी बहुत सारी अनयूजुअल सी चीज़ें, यार नर्स इतना डोमिनेंट नहीं होती, भले ही वहाँ सीनियर हो, हर एक का अपना अपना काम होता है, तो आप नर्स को नहीं बोल सकते कि मुझे ये डॉक्टर नहीं चाहिए, ये डॉक्टर नहीं चाहिए। अरे रेसिडेंट कोई अपने पीजी चूज नहीं कर सकता, ऐसी बहुत सारी अनकन्विंसिंग बात है, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आप अगर नॉन मेडिको हो तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। मेडिको के लिए यहाँ थोड़ा बहुत मतलब मुझे डाइस ही लगा है। थैंक यू सो मच, अगर आपने देख ली तो मुझे बताना कैसी लगी, शायद आपको तो अच्छी ही लगेगी। थैंक यू सो मच।